गुजरात के मोरबी को पीएम मोदी देंगे हनुमान जयंती का तोहफा। हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे वर्चुअल अनावरण। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनी है विशालकाय मूर्ति। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर काउंटिंग आज। राजनांदगांव के बीच निगम कार्यालय में सुबह 8 बजे से शुरू होगी गिनती। 14 टेबल पर 21 राउंड में होगी गिनती। मध्य प्रदेश के मंत्री की पीएम मोदी को चुनौती। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश अखिलेचा बोले, पार्टी में फुल टाइम काम करने वाले नेताओं के बेटे को मिले टिकट। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। एमपी में मस्जिद ही नहीं, मदरसों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कहा मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा सभी को पता चले। कांग्रेस ने किया पलटवार। बिलासपुर में कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल, कहा मेले से उन्नत कृषि की तरफ बढ़ेंगे किसान। बीजेपी पर 15 साल में कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। खरगोन में हिंसा के 5 दिन बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। कर्फ्यू में 2 बार 2-2 घंटे की मिली छूट। जरूरी सामान लेने उमड़ी बाजारों में भीड़। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज की स्वदेश वापसी पर ग्रहण। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राजनयिक वीजा रोकने के दिए निर्देश, कहा वापस आए तो फौरन करो गिरफ्तार।